सबसे पहले तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार का डिसीजन दिया उसका हम स्वागत करते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि मुंबई पुलिस सही दिशा में पहले दिन से जांच क्यों नहीं कर रही थी। हमने सवाल उठाए 40-45 दिन बाद, तब हम लगातार ये कह रहे थे कि इस इन्वेस्टिगेशन को सही दिशा में मुंबई पुलिस के अधिकारी लेके नहीं जा रहे हैं। 45-50 दिनों के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं होता, की विटनेसेस का स्टेटमेंट नहीं लिया जाता, जिस मेंटली थेरेपिस्ट के आधार पर सुशांत सिंह ये डिप्रेशन थियरी को चलाया जाता है, उस थियरी को चलाने वाले सुजान वॉकर इसको भारत में प्रैक्टिस करने की परवानगी मिली नहीं है। बिहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है लेकिन मुंबई पुलिस अभी तक कंक्लूजन पे क्यों नहीं आती है। ये सबका सवाल का जवाब एक ही आता है कि मुंबई पुलिस के क्षमता का यह विषय नहीं था। क्षमतावान मुंबई पुलिस को काम करने में कई अड़ंगा राज्य सरकार में बैठे हुए लोग लगातार ला रहे थे। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? सत्ता में बैठे कौन से दल ने इसके लिए अपना रोल किया? ये सभी चीजों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम सवाल पूछते हैं कि जब लॉकडाउन में लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे, लोग अपने घरों से अपने दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु किए हुए कोई परिवारजन होंगे तो उनको मिलने भी नहीं जा रहे थे, 2 किलोमीटर से ज्यादा प्रवास नहीं कर पा रहे थे, तब जून के महीने में मुंबई में पार्टियां हो रही थी, ये पब और पार्टी गैंग कौन सी